ओम शांति। इस वीडियो में हम 16 मई 1977 की मुरलिका रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है माया के वार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता। इस मुरली में बाबा ने माया से हार खाने के दो कारण बताए हैं। पहला है सामना करने की शक्ति की कमी और दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। बाबा ने कहा कि सामना करने की शक्ति की कमी के कारण बाप को सदा साथ ही बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति, इसलिए कमज़ोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। और परखने की शक्ति न होने का कारण है कि बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है, एक से सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है। बाबा ने कहा छोटी सी गलती अलबेलेपन और आलस्य के कारण श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, इसलिए जो पहला उमंग और उल्लास अनुभव करते हैं वह चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने के कारण पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन यह सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं, मंजिल नहीं है। बाबा ने कहा ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते हैं, लेकिन घबराओ मत, थको मत, रुको मत। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी, हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। एक पल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा यह परीक्षाएं भी परिपक्व बनाने के आधार हैं, मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं यह निशानियां हैं। इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत, सदा यही संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुँचेगी पहुँचे। अब अगली वीडियो में हम 19 मई 1977 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर।